नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट के फ्री ट्रेडिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में आपको टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की ट्रेनिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक बिल्कुल फ्री में दी जा रही है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश इनगल्फिंग को ट्रेड करने का सही मेथड सीखेंगे। किसी भी पैटर्न को ट्रेड करने या रिकॉग्नाइज करने के लिए कैंडलस्टिक के डिफरेंट टाइप्स को सीखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को ट्रेड करने से पहले हमें यह सीखना होगा कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के फॉर्मेशन में जिन कैंडलस्टिक्स का यूज होता है उनको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। दोस्तों, बेरिश मारुबोजो और बुलिश मारुबोजो कैंडलस्टिक्स मिलकर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन करती हैं। सबसे पहले बेरिश मारुबोजो कैंडलस्टिक को समझेंगे। दोस्तों, बेरिश मारुबोजो कैंडलस्टिक्स एक्सेसिव सेलिंग को प्रेजेंट करती हैं, यानी बेरिश मारुबोजो कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा सेलिंग के कारण होता है। बेरिश मारुबोजो कैंडलस्टिक साइज में बड़ी होती है और बेरिश मारुबोजो कैंडलस्टिक विदाउट विक्स होती है, या फिर बेरिश मारुबोजो कैंडलस्टिक में विक का साइज छोटा होता है। अब हम बुलिश मारुबोजो कैंडलस्टिक को समझेंगे। दोस्तों, बुलिश मारुबोजो कैंडलस्टिक एक्सेसिव बाइंग को प्रेजेंट करती है, यानी बुलिश मारुबोजो कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा बाइंग के कारण होता है। बुलिश मारुबोजो कैंडलस्टिक अक्सर साइज में बड़ी होती हैं और बुलिश मारुबोजो कैंडलस्टिक्स विदाउट विक्स होती हैं, या फिर बुलिश मारुबोजो कैंडलस्टिक्स में विक का साइज छोटा हो। दोस्तों, मारुबोजो कैंडलस्टिक्स डायरेक्शन बायस होती हैं, यानी मारुबोजो कैंडलस्टिक्स बेरिशनेस एंड बुलिशनेस को प्रेजेंट करती हैं। दोस्तों, ये तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट बेरिश एंड बुलिश मारुबोजो कैंडलस्टिक्स। अब हम बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को स्टडी करेंगे एंड बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को ट्रेड करने के सही मेथड सीखेंगे। दोस्तों, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बेरिश ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न 1 मिनट से 1 मंथ तक सभी टाइम फ्रेम में एप्लीकेबल होता है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को ट्रेड करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। नंबर 1, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न तभी वैलिड माना जाएगा यदि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के फॉर्मेशन से पहले एक डाउन ट्रेंड होगा। नंबर 2, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को ट्रेड तब करेंगे जब बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्मेशन के कंप्लीशन के बाद नेक्स्ट कैंडलस्टिक बुलिश होगी। यदि बुलिश कैंडलस्टिक नहीं है तो हम बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को ट्रेड नहीं करेंगे। नंबर 3, बुलिश इनगल्फिंग का लोवेस्ट लेवल स्टॉप लॉस एरिया होगा। नंबर 4, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। सपोज XYZ स्टॉक एक स्ट्रांग अप ट्रेंड में था, लेकिन उसमें एक डीप करेक्शन आया और स्टॉक का शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव हो गया और एक्सेसिव सेलिंग होने के कारण एक बेरिश मारुबोजो कैंडलस्टिक फॉर्म हो गई एंड नेक्स्ट डे एक बुलिश मारुबोजो कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ एंड बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया एंड वेरी नेक्स्ट डे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न ने ब्रेकआउट दिया एंड एक बुलिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। यही एंट्री पॉइंट है, आपको ट्रेड इनिशिएट करना है एंड बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के लोवेस्ट लेवल का स्टॉप लॉस लगाना है एंड ट्रेड को तब तक राइड करना है जब तक बेरिश रिवर्सल सिग्नल ना मिल जाए। दोस्तों, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को ट्रेड करने की नॉलेज के साथ साथ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को कब ट्रेड नहीं करना इसकी जानकारी भी बहुत जरूरी है। सपोज बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद ब्रेकआउट नहीं हुआ, नेक्स्ट डे एक बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्म होगी तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन आप स्टॉक को वॉचलिस्ट में रखकर ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। लेकिन यदि प्राइस बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का लो ब्रेक करके लोएस्ट पॉइंट से भी नीचे क्लोज दे देता है तो आप स्टॉक को वॉचलिस्ट से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फेल हो चुका है, अब बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न वैलिड नहीं है। लेकिन जब तक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न अपने लो को ब्रेक नहीं करता तब तक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न वैलिड है, आप ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। दोस्तों, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के कुछ सीक्रेट्स हैं जिनकी जानकारी बहुत जरूरी है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में बेरिश मारुबोजो कैंडलस्टिक एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। यदि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में बेरिश मारुबोजो कैंडलस्टिक 2, 3 या 4 हैं, तब भी बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न वैलिड है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में बुलिश मारुबोजो कैंडलस्टिक भी एक से ज्यादा हो सकती हैं। यदि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में बुलिश मारुबोजो कैंडलस्टिक 2, 3 या 4 हैं, तब भी बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न वैलिड है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में बुलिश मारुबोजो कैंडलस्टिक बेरिश मारुबोजो कैंडलस्टिक से साइज में छोटी या बड़ी हो सकती हैं। यदि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में बुलिश मारुबोजो कैंडलस्टिक का साइज छोटा या बड़ा है, स्टिल बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न वैलिड है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में बेरिश मारुबोजो कैंडलस्टिक बुलिश मारुबोजो कैंडलस्टिक से साइज में भी छोटी या बड़ी हो सकती है। यदि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में बेरिश मारुबोजो कैंडलस्टिक का साइज छोटा या बड़ा है, स्टिल बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न वैलिड है। दोस्तों, अब रियल चार्ट्स पर आपको बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के कुछ एग्जांपल्स दिए जाएंगे ताकि आप इमेजिनरी चार्ट्स को रियल चार्ट के साथ कंपेयर कर सकें। दोस्तों, इस चार्ट में एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड के बाद बेरिश मारुबोजो कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ, नेक्स्ट कैंडलस्टिक बुलिश मारुबोजो फॉर्म हुई एंड वेरी नेक्स्ट कैंडलस्टिक भी बुलिश मारुबोजो फॉर्म हुई। आपको पहले ही बताया गया है कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में बेरिश या बुलिश मारुबोजो कैंडलस्टिक्स एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, स्टिल बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न वैलिड है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पर ब्रेकआउट एंड बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न ने पूरा काम किया। इस चार्ट में एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड के बाद बेरिश मारुबोजो कैंडलस्टिक फॉर्म हुई, नेक्स्ट कैंडलस्टिक भी बेरिश मारुबोजो फॉर्म हुई। आपको पहले ही बताया गया है कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में बेरिश या बुलिश मारुबोजो कैंडलस्टिक एक से ज्यादा भी हो सकती है, स्टिल बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न वैलिड है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक बुलिश मारुबोजो फॉर्म हुई, देन ब्रेकआउट एंड बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न ने पूरा काम किया। इस चार्ट में एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड के बाद बेरिश मारुबोजो कैंडलस्टिक फॉर्म हुई, नेक्स्ट कैंडलस्टिक बुलिश मारुबोजो फॉर्म हुई। आपको पहले ही बताया गया है बुलिश मारुबोजो कैंडलस्टिक बेरिश मारुबोजो कैंडलस्टिक से साइज में छोटी या बड़ी भी हो सकती है, स्टिल बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न वैलिड है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पर ब्रेकआउट एंड बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न ने पूरा काम किया। इस चार्ट में एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड के बाद एक बेरिश मारुबोजो कैंडलस्टिक फॉर्म हुई, नेक्स्ट कैंडलस्टिक बुलिश मारुबोजो फॉर्म हुई एंड नेक्स्ट कैंडलस्टिक भी बुलिश मारुबोजो फॉर्म हुई। आपको यह भी बताया गया है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में बुलिश मारुबोजो कैंडलस्टिक एक से ज्यादा भी हो सकती है, स्टिल बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न वैलिड है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पर ब्रेकआउट एंड बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न ने पूरा काम किया। इस चार्ट में एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड के बाद एक बेरिश मारुबोजो कैंडलस्टिक फॉर्म हुई, नेक्स्ट कैंडलस्टिक बुलिश मारुबोजो फॉर्म हुई एंड देन ब्रेकआउट
शॉर्ट एंड बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न ने पूरा काम किया। दोस्तों इस एपिसोड में हमने बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को ट्रेड करने के करेक्ट मेथड्स को सीखा। नेक्स्ट एपिसोड में हम बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न को ट्रेड करने का सही मेथड सीखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं ये टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का एपिसोड नंबर 5 है। यदि आपने एपिसोड नंबर 4 नहीं देखा तो प्लीज एपिसोड नंबर 4 देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में अवेलेबल है। क्योंकि यह कोर्स एपिसोड वाइज है, सो एवरी एपिसोड इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टॉक मार्केट टर्म्स एंड ट्रेनिंग। सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस न्यू अपडेट्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस कंटेंट प्लीज ड्रॉप एन ईमेल। फॉर फ्री टिप्स प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।